सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल सेक्टर के द्वारा सरकार को दिया जाता है। कारोबारी की मांगे हैं कारोबारियों की कि डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, साथ ही जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करना चाहिए। कारोबारियों के मुताबिक जनवरी से दिसंबर तक पूरे व्यापार की बात की जाए तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में साल भर में 10% कमी आई है। जीएसटी और सेल्स मिलाकर 48% तक टैक्स लगाया जाता है, साथ ही आरटीओ और इंश्योरेंस का खर्च मिलाकर 13% तक टैक्स लग जाता है। डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया में कारोबारियों को आरटीजीएस और नेफ्ट के भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है, अगर कोई कस्टमर हमारे यहाँ आता है और पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करता है, तो आज हमको करीब करीब 2% उसमें चार्ज लग जाता है। और ऑटोमोबाइल में आप जानते हैं कि एक डीलर का मार्जिन जो है अनमूलन एवरेज अगर देखेंगे 3 से 4% रहता है। अगर उसमें से 2% अगर मैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे दूं, तो ये एक मतलब बहुत बड़ा डेंट है हमारी इनकम में। तो ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वेव ऑफ करना चाहिए, इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। हमारे छोटे व्यापारी हैं, उनको 30% का टैक्स स्लैब आ रहा है, उनको भी टैक्स स्लैब 22% के स्लैब में लाना चाहिए। जो कॉर्पोरेट को बेनिफिट मिल रहा है, वो छोटे व्यापारियों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके अलावा जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है, उसमें मैक्सिमम जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, उनको या जो रेंट में चलाते हैं जगह या जो भी, तो उनको इनकम टैक्स कट के पैसा मिल जाता है। तो इसमें भी हम इंडिविजुअल में भी राहत मांगे हैं, ताकि एक जो एक हायर स्लैब है उससे नीचे आके, ताकि जितना पैसा बचेगा, चाहे सैलरीड आदमी है, वो पैसा अल्टीमेटली बाजार में आएगा और खर्च होगा, डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में जो एक नेगेटिव माहौल है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, वो भी एक डिमांड की है हम लोगों ने। ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में अभी तक अच्छा चल रहा था, क्योंकि कर्ज माफी वगैरह हो गई थी, लेकिन आगे चल के BS6 गाड़ियां आने के बाद गाड़ियों के रेट बढ़े हैं, जिससे कि मांग घटने की उम्मीद है। हम चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार जीएसटी दर जो कि 28% है उसको कम करके 18% कर दे, तो उसका हमको कस्टमर्स को बहुत लाभ मिलेगा, उससे इसका जो सेल है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, जैसे हेलमेट्स, उस पर जीएसटी हट जाए। पहले हमारा जो राज्य था उस पर वैट नहीं लगता था, अब उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो हम चाहते हैं कि वो जीएसटी भी पूरी तरह माफ होनी चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए यूज होते हैं। केंद्र से टैक्स के लिए तो कोई मांग नहीं है, टैक्स तो पहले भी ज्यादा था, जब जीएसटी था उससे पहले टैक्सेशन ज्यादा थी, इस बार टैक्सेशन तो कम है पर कॉम्प्लिकेटेड बहुत है टैक्सेशन, क्योंकि हर दिन नया कुछ रूल्स, इतने रूल्स आ गए हैं तो हम फॉलो नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा अगर ठीक हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन जो खत्म हो जाती है। बिलासपुर।